भाई की जान चले गई। आज 18 साल से ये कॉलोनी में है, रोड नहीं डाले थे तो अच्छा था, ये जैसा रोड डाले खत्म, मेरा भाई जान से चलेगा। ये रोड निकाल दो तभी, नहीं तो दूसरी रोड डालो। दलिंदर रोड, ये अच्छी नहीं है रोड, ये रोड अच्छी नहीं है, मेरी भाई की जान ले ली, मेरे जवान भाई की जान ले ली, उसका छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है उसका। हम लोग बाप मरे जब से आज तक जुदा नहीं हुए थे, हम चारों बहनों भाइयों एक साथ थे, आज मौला अलग हो गए आज। जलपली म्यूनिसिपैलिटी के अलजाबरी कॉलोनी के तहत मुतालिका एमएलए व वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी की नुमाइंदगी के बाद म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से वहां पर एक नई सड़क बिछाई गई थी, लेकिन अवाम का कहना है कि जब से ये रोड बिछाई गई है तभी से यहां पर कई सारे खौफनाक व जानलेवा सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। हाल ही में एक सैयद खालिद नामी नौजवान का इसी सड़क की वजह से एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया था, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सैयद खालिद दौरान इलाज इंतकाल कर गए। मरहूम खालिद की शादी होकर महज 2 साल ही हुए थे और इनका एक मासूम बच्चा भी है और इनकी अहलिया फिर से हामिला भी है, लेकिन इस घर के जिम्मेदार को इस रोड ने निगल लिया। इतना ही नहीं बल्कि फिर एक मरतबा गुज़िश्ता रात सैयद अकबर नामी नौजवान का भी इसी सड़क पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में अकबर भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी नौजवान और मरहूम के लवाकिन का कहना है कि इस फिसलन सड़क पर गाड़ियां बहुत ज़्यादा फिसल रही है और हादसा का शिकार हो रही है और सड़क के नोखिले किनारों से टकरा जाने के बाद लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी भी हो रहे हैं। लोग इस सड़क के बनने पर नहीं बल्कि सड़क बनने के बाद जाने वाली जानों को लेकर और हादसा को लेकर नाराज़ व बरहम है। सभी ने मुतालिका एमएलए सबीता इंद्रा रेड्डी और जलपली म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मेदारान से दर्दमंदाना गुजारिश की है कि इस सड़क की ठीक से मरम्मत करें या फिर पहले की तरह इस जगह को मुसद्दा कर दे ताकि आवाम की कीमती जानों का तहफ्फुज हो सके। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये अलजाबरी कॉलोनी है, पहाड़ी शरीफ रोड पे आती इधर। यहाँ पे रोड डली थी परसों में, इस पर स्पीक ब्रेकर आनी है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोग, साइडों से रोड खुली है। मेरा भाई जिम को जा रहे थे, नो टायर स्लिप होकर गिर गए, यहाँ पे आँख के ऊपर मार लगी, यहाँ की हड्डी टूट गई पीछे की। जी 26 साल है, एक छोटा बच्चा है, इनको 2 साल ही हुआ, उनकी शादी हो के अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, और 2-3 जने गिर जा रहे, डेली गिर जा रहे, टायर स्लिप हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ ऐसा रोडों पे रख ले रही, जिसकी बिल्डिंग है उन्होंने रख ले रहे, कोई बोलने वाला नहीं है, नको रखो रोड पे बोलने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जो मोटे कटगेरा है ना, देखिए आप लोग, इतने मोटे कटगेरा है, उसके ऊपर लग के यहाँ पे मार लग गई, और डामर रोड डालना था यहाँ पे, स्पीक ब्रेकर भी नहीं है, सीमेंट की रोड से टायर पूरे स्लिप हो रहे हैं, दुनिया के एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरे गिर जा रहे हैं। मेरा भाई आज मर गया, हम लोग किसको पूछना, मेरा भाई 12 दिन से दवाखाने में था, उस्मानिया दवाखाने में जाके देख भी सकते हैं आप लोग, हम 12 दिन से दवाखाने में था, आज मर गया हमारा भाई, हम किसको पूछना। ये रोड बनी है फ्लासी रोड, ये दलिंदर रोड बनाए, हाँ एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, इतनी ऊंचे ऊंचे रख दिए, इसको साइडों में गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े, गिर गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, सविता रेड्डी रोड डला दी चले गए खत्म, अब कोई पूछने वाला नहीं है, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, दलिंदर रोड डाली है उन्हें, डांबर रोड डालना था, ये सड़ी रोड डाल के गए लोग, रोड अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मट्टी है दुनिया की, एक दिन साफ सफाई नहीं होती, कोई साफ सफाई वाले नहीं आते यहाँ पे, ये कॉलोनी में कोई दिख जैसा नहीं है, पूछने वाला खामोश बैठ गया, बल्कि आज मेरे भाई को हुआ, कल दूसरों को नहीं होना, बल्कि हम लोग ये आवाज़ उठा रही, पूरे मिल के जरा हिम्मत करके आगे आओ, ये रोड के आवाज़ से अप्लाई करो, ये रोड के आवाज़ से करो, कुछ तो भी करो, इसी स्पीड ब्रेकर दलाओ ने तो तोड़ दो, ये रोड को खत्म कर दो, सालों से नहीं बनी थी रोड, किसी की जान नहीं गई थी, जैसा रोड बनी मेरे भाई की जान चले गई। आज 18 साल से ये कॉलोनी में है, रोड नहीं डाले थे तो अच्छा था, ये जैसा रोड डाले खत्म, मेरा भाई जान से चलेगा, ये रोड निकाल दो तभी, नहीं तो दूसरी रोड डालो, स्पीड ब्रेकर डालो, कुछ तो भी एक करो, ये रोड का दूसरे जने नहीं जाना, आज मेरा जवान भाई चलेगा, किसी का बेटा भाई कुछ भी नहीं जाना, आज के बाद जरा कुछ तो भी कर दो, ये रोड का नहीं तो निकाल के तो भी फेंको ये रोड को, दलिंदर रोड, ये अच्छी नहीं है रोड, ये रोड अच्छी नहीं है, मेरी भाई की जान ले ली, मेरे जवान भाई की जान ले ली, उसका छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है उसका, मेरा भाई। हम लोग बाप मरे जब से आज तक जुदा नहीं हुए थे, हम चारों बहनों भाइयों एक साथ थे, आज मौला अलग हो गए आज। मेरा
भाई चलेगा। देखिए मेरा बच्चा रोड हादसे में चलेगा, मेरा जवान बच्चा जिम सैयद खालिद अली जिम को जा रहा था, रोड पे फिसल के मेरा बच्चा कड़ियर का मार लग के मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। देखिए हड्डियाँ टूट गए मेरे बच्चे के, और जो है समार ये हड्डी टूट गई वो टूट गई, वो रोड का मार लग के मेरा बच्चा मेरे को नहीं दिखता अब, और एक एक बच्चा भी गिरा। देखिए जरा प्लीज मेरे बच्चे, अब मेरा बच्चा चलेगा मैं कहाँ से लाऊँ, ये रोड हादसे में मेरा बच्चा जवान चलेगा, उसका एक बच्चा है। देखिए अलजाबरी कॉलोनी एस एस सी सीमेंट का गोदाम, वही मेरा बच्चा चलेगा। देखिए मेरे बच्चे को जो है सब, ये छोटा बच्चा है मैं कैसा पालूं भाई, क्या करूं बोलो। फिर बीवी उनकी प्रेगनेंट, मेरे बच्चे की मफरत के लिए दुआ करिए, मेरा जवान बच्चा चले गया सैयद खालिद अली जी, उनको एक बच्चा है, उनकी बीवी प्रेगनेंट है 5 महीने है उनको, मेरा बच्चे का छोटा बच्चा है ये रोड हादसे में हो गया, हमारे को कौन जिम्मेदार है। देखिए ये रोड तो दाड़ी, और एक एक बच्चा भी गिरा और 2-3 जने गिरे, ये रोड बहुत खतरनाक हो गई, रोड मेरे बच्चे की जान ले लिया, मेरा कौन है बोलिए। रोड पे गिरने की वजह क्या है? ये टायर स्लिप हो गया मट्टी से, स्पीड ब्रेक करानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम सैयद अकबर है, मैं अलजाबरी में रहता हूँ, पहाड़ी शरीफ सीमेंट के गोदाम की गली में। ये रोड डलने की वजह से हाल में एक एक्सीडेंट हुआ, एक 10-12 दिन हो रहा है, वो इंतकाल भी हो गया उनका, सैयद खालिद नाम है उनका, इंतकाल हो गया उनका 3-4 दिन हो रहे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन मेरा एक्सीडेंट यही रोड पे हुआ, पीछे का टायर स्केड होने से मट्टी रहने से। ये रोड पे कौन सी भी गाड़ी रहने दो, ब्रेक मारते ही स्केड हो जाती है गाड़ी, सामने का मारो या पीछे का मारो स्केड ही हो जाती है गाड़ी, मट्टी दुनिया की रहती है रोड पे, और 2-2 बालिश तो खाली इसकी कटगर है, इसमें मट्टी भी नहीं है साइड में पड़ी हुई इसके। अब क्या करेंगे इसके, मेरा एक उससे पहले एक एक्सीडेंट हो गया, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे आँख पे ही मार लगी, पैर पे ही मार लगी मेरी पूरी। ये रोड डले अब से 4-5 एक्सीडेंट हो गए, इससे पहले भी वो स्पीड ब्रेकर, 2 स्पीड ब्रेकर है खाली, वो स्पीड ब्रेकर का तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, वो बड़े बड़े इतने मोटे मोटे स्पीड ब्रेकर है, बाकी कहीं भी नहीं है स्पीड ब्रेकर, सामने का मारो या पीछे का मारो गाड़ी स्केट तो होनी चाहिए, कोई भी गिर जाता कोई भी मर जाता, अगर खुदा ना खास्ता लेडीज रहे पीछे से ब्रेक मारे गिर गए मर गए तो कौन जिम्मेदार है बोलिए आप लगा कौन। मैम ये जो रोड डला है आप लगा, रोड डला के तो खाली चले गए, इसके ऊपर हादसे तो अनधिनत हादसे हो रहे, या तो मट्टी डलाइए या तो रोड का कुछ कराइए, अगर इसके ऊपर कुछ भी हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप लगा हैं, अब तक इतने हादसे हो गए लोगों बर्दाश्त कर लिए, इसके आगे कोई हादसा होगा तो आप लगा जिम्मेदार है। हैदराबाद के खवातीन के लिए खुशखबरी, टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे शी एंड मी वुमेन्स जूती सेंटर आप सभी के लिए ले आए हैं। जयपुर के जोधपुरी जूती, कोल्हापुरी सैंडल्स एंड जूती, पंजाब के परांठे, बांद्री दुपट्टा, बैंगल्स और कश्मीरी बैग्स के अलावा कॉस्मेटिक भी मौजूद है। तो देर किस बात की, चले आइए शी एंड मी वुमेन्स जूती सेंटर, हमारा पता है टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9949617863। जूती बोले तो शी एंड मी।